नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। झारखंड प्रदेश मुस्लिम कमेटी के केंद्रीय संयोजक मोहम्मद कलाम खान ने बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह से मदरसा और स्कूल की बिल्डिंग बनाने के मदद में एक आवेदन दिया। इसमें फुसरो बाजार के पटेल नगर वार्ड नंबर 24 में बच्चे तालीम के लिए एक भी मदरसा नहीं है, जिस वजह से बच्चे मस्जिद से शहर में पढ़ाई करते हैं। पटेल नगर के वासियों ने आपस में चंदा करके मदानी मस्जिद के बगल में एक शिक्षा संस्था बनाने का निर्णय लिया और 12 पिलर खड़ा करके प्लास्टर तक का काम किया है। आगे के रुपया के अभाव में काम रुका है। विधायक का सहयोग लिया जा रहा है, आवेदन दिया गया है। मौके पर उपस्थित कांग्रेस बेरमो प्रखंड प्रभारी आबिद हुसैन, परवेज अख्तर, झारखंड मुक्ति मोर्चा बोकारो जिला स्पोर्ट विंग के आलमगीर आलम उर्फ भोलू खान मौजूद थे। शिक्षक दिवस पर मुस्लिम कमेटी द्वारा मांगा गया स्कूल और मदरसा पर क्या कहते हैं? देखिए, मैंने उनको आश्वासन दिया है कि आपकी मांगों को मैं, जो हमारे मंत्री हैं अफजल जी, उनके पास ले जाऊंगा। बात भी हुई है, 6 तारीख को उन्होंने बुलाया। निश्चित तौर पर हमारी सरकार जो है, हम लोग हर छोटे छोटे विषय पर चिंतित हैं और कैसे ग्रामीणों को और नीचे स्तर पर विकास पहुँचाए, उस पर लिए हम लोग काम कर रहे हैं, आगे भी काम करते रहे। विधायक साहब ने क्या मांग रखी? सीओ रिपोर्ट करके जमीन को बढ़ाया जाएगा और कंपाउंड किया जाएगा, प्लस हम लोगों ने मांग रखा है एक मदरसे का, जिसको भी उन्होंने स्वीकार किया है। इसके सिलसिले में कल हम लोग जो है जाकर के अल्पसंख्यक मंत्री से मिलेंगे, हाफिजुल साहब से मिलेंगे। कल जाकर 5 प्रतिनिधिमंडल, उसमें परवेज अख्तर होंगे, अज्जू खान साहब होंगे, आबिद भाई होंगे,